मैं आया हूँ यहाँ पे गाड़ी धुलवाने के लिए। क्यों गाड़ी धुलवा रहा हूँ वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी पहले गाड़ी धुलवा देता हूँ। ठीक है, मिलते हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। जैसा कि आपको पता है, मैंने बोला था मैंने गाड़ी क्यों धुलवाई, क्योंकि आज मेरे फ्रेंड की शादी है और उसके साथ मैं जा रहा हूँ। तो पूरा डिटेल में आपको मैं दिखाऊंगा, आज पूरा फंक्शन दिखाऊंगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो गेस्ट ज़्यादा नहीं होंगे, तो आज खूब धमाल होने वाली है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मुंह से मास्क तो निकालो पहले। बोलिए। तो कैसा लग रहा है अभी? बहुत एक्साइटेड हूँ आज, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज ही मतलब आज ही अच्छा लगेगा, उसके बाद कभी अच्छा नहीं लगेगा। नहीं नहीं, अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। अच्छा, तुम्हारे से लव मैरिज है ना? हाँ। ये भाई साहब की लव मैरिज है, जिससे चाहा था उससे ही शादी हो गई। तो अभी इसका फुल स्टोरी मैं बाद में डालूंगा यूट्यूब पे, पहले ब्लॉग डालूंगा उसके बाद फुल स्टोरी डालूंगा। बोलिए, आपकी लव स्टोरी तो बाद में सुनेंगे। लव स्टोरी तो बहुत लंबी है, 3 साल की है। नसीब वाले लोग होते हैं जिनकी लव मैरिज इतनी सक्सेसफुल होती है। बहुत अड़चने आती है। अभी भी लॉकडाउन ही है, पिछले साल कुछ फिक्स किया था कि भी शादी करना है? हाँ, करना सोचा तो था मगर लॉकडाउन की वजह से कर नहीं पाए। अच्छा, मतलब कर डालो इस बार तो, मगर लॉकडाउन है, कर डालो। समझ रहे हो ना, लॉकडाउन भले अभी कर ही डालो, अभी जो होगा देखा जाएगा। हाँ वही धीरे 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 शांति दिए। ऐसे में बड़ा सख्त लॉकडाउन, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। तो अभी हमारे साथ दूल्हा बैठा हुआ है और हम जानेंगे उनकी मन की बात। मन में तो बहुत कुछ चल रहा है, तो डर लग रहा है? अच्छा, इतना तो बता ही सकते हो ना कि कब शुरुआत हुई इस प्यार की कहानी की? 3 साल पहले हुई थी। डेट तो याद होगी, 2018 मई 22 को हुई थी। देखो, इसको बोलते इंस्टाग्राम से हुई। मैं यही जानना चाहता हूँ, तुम ठहरे बड़ौड़ा के, भाभी ठहरी सूरत की, तो कैसे मतलब ये मिलाप कैसे हुआ इतना लंबा, 150 किलोमीटर वाला? ये हमारी शुरुआत हमारे ऑफिस वेकेंट से हुई। हमारे ऑफिस वेकेंट की देन है ये। ऑफिस वेकेंट में दोनों साथ में काम करते थे। क्या बात कर रहे हो, ऑफिस वेकेंट ने मेरे को बहुत कुछ दिया है। पहली बार देखा था हाँ, तो सोच लिए, मतलब उसको देख के ही मन में ख्याल आ गया। वो पिक्चर में बोलते हैं ना, वो वायलिन बजना शुरू हो जाता है। हाँ भाई, बारिश घंटिया बजने लगती है। अच्छा, घंटिया तो देख के मैं एकदम देखते ही रहा। अच्छा, खत्म गया बस। फिर ये लड़की है। अच्छा, मतलब ये लड़की मेरे लिए ही है ना, सोच लिया था कि बस। समझ गया मैं, वो तो इसको मेरे जिंदगी में लाना है। नहीं, मैंने
वैसे भी लड़कियों को ऐसे ही लड़के पसंद है जो पहले आके सामने से बात करें। फिर पहले तो मैंने उसका नाम ढूंढा, एक उसका नाम क्या। अच्छा, नाम तो पता नहीं था, पहली बार देखा था। सही बात। तो कैसे शुरुआत करूँ वही सोच रहा था। तो हमारी ऑफिस में एक फैसिलिटी थी, बहुत अच्छी फैसिलिटी। जैसे कि जब भी हम पंचिंग करते थे ना, तो पंचिंग पे वो नाम आता था। अच्छा। तो मैंने बहुत बार ट्राई किया, मतलब कि 3-4 बार एक वीक तक मैंने ट्राई किया कि उसके पीछे जाऊँ, उसके पीछे जाऊँ और वो पंचिंग करे ना, तो तब मैं नाम देख लूँ उसका। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? ये सीखो, कुछ सीखो। नहीं नहीं यार, नहीं नहीं, मतलब अगर मैरिज करना है तो सीखो, वरना मत सीखना। नहीं, मैरिज करना अगर तुमको लगे कि ये लड़की तुम्हारे लिए नहीं है। ऐसे आ गया, आगे आगे बात बढ़ी। हाँ, मैंने उसका नाम लिया। हाँ, नाम ढूंढा। हाँ, फिर मैंने इंस्टा पे सर्च किया, इंस्टा पे, फेसबुक पे, सब जगह पे मिल गई। हाँ, बस। और फिर मैंने फिर बातें शुरू। मैंने पहली बार उसको मैसेज किया मगर रिप्लाई नहीं आया था। नहीं नहीं नहीं, नहीं सारू के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। तो कॉमन धीरे धीरे एक वीक में रिप्लाई आ गया था। अच्छा, मतलब वो सब तो ठीक है, वो तो सब कॉमन है। फिर मैंने मेन मुद्दा ये है, प्रपोज किसने? अफकोर्स मैंने, नहीं करूँगा। नहीं मतलब कब ऐसा लगा कि नहीं अभी मुझे प्रपोज करना चाहिए, कितने टाइम के बाद? बहुत कम टाइम लगा था मेरे को, 6 महीने, 5 महीने, 4। नहीं यार, इतना भी देर नहीं मेरे, मतलब इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा, इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा है मैंने। बहुत तेज, बहुत तेज मेरे पास बोली। अच्छा, क्या है वो लिखा हुआ भी है मेरे। क्या बात कर रहे हो? मगर मतलब लव लेटर लिखा था कि नहीं लिखा था? लव लेटर तो नहीं लिखा था, क्योंकि अभी व्हाट्सएप और वो उसका जमाना चल रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। चलो फिर प्रपोज हो गया। ठीक है, प्रपोज मतलब कैसे किया? अकेले में किया, सबके सामने किया, कैसे किया? वो तो अकेले ही होता है ना सब। क्या बात, मतलब सबके सामने भी किया था। एक मिनट में कॉल आया। छूट चुके हैं मास्क पहन के, थोड़ी तकलीफ कीजिए मास्क निकालने की। हमारी गैंग में अभी अगला नंबर इसका है, ये भाई साहब का है। तो नेक्स्ट लोग आपको इनकी शादी का मिलेगा। पहले भी तुम आपको देख चुके लोग, वापस देखेंगे। वापस देखना चाहोगे? ये बढ़िया था गुरु। अरे बॉडी बिल्डर साहब, बॉडी बिल्डर। आपको इतना मजा कभी नहीं आया होगा मेरे ब्लॉग में, जितना आ जाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना?
फोटो सेशन चल रहा है दुल्हन दुल्हन का, पीछे मेरे पीछे देख सकते हैं आप। ये हमारी कार है और ये हमें और ये हमारी पार्टी हो रही है यहाँ पे। बांधू एटले सर चकरा रहा है बहुत टाइट बांधू नीला कर दो मोमो मुकी दो खाली हां खाली मोमो ना खाने नहीं पाऊं। मजा नहीं आ रहा है अल्लाह माफ करे बहुत मनुष्य लग रहे हो मत करो रहने लो बहुत बुरे लग रहे हो तौबा थारा मूड खराब कर दिया। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको भी पसंद आया होगा और यहाँ तक देख लिया है तो एक सब्सक्राइब का बटन को दबा ही दीजिए और तो सुन लिया आपने, लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सब कुछ दिखाऊंगा भी।